तो वही राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा महम के एक ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचे, जहां पर उन्होंने बारिश से प्रभावित हुई फसलों का जायजा लिया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द खेतों से पानी की निकासी के निर्देश दिए। इसी के साथ ही रामचंद्र जांगड़ा ने इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी गोविंद कांडा की जीत का दावा किया। चुनाव जीतेंगे, निश्चित तौर पर जीतेंगे। अब लोग उससे कैंडिडेट से पूछ रहे हैं, इनेलो के कैंडिडेट से, कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है कि भाई आपने ये कहा था कि काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तब तक विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, तो पहले तो कानूनों का कालापन बताओ, वो कालापन क्या है, और अगर कहे तो वो वापस तो अब तक हुए नहीं है, फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हो, विधानसभा में किस लिए जा रहे हो, क्यों खाम खाम है यहाँ पर एक चुनाव का माहौल पैदा किया, जब आपने कुछ दोबारा ही विधानसभा में जाना था तो विधानसभा में तो आप बैठे ही थे, लोग उनसे जवाब पूछ रहे हैं। तो लेकिन ये तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना पड़ता है, तो बीजेपी का कैंडिडेट हमारा जो गोविंद कांडा है वह निश्चित तौर के ऊपर चुनाव जीतेगा, पूरा समर्थन उनको जनता का मिल रहा है।